हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सुरक्षित होंगे, अपना ध्यान दे रहे होंगे और अपने घर वालों का ध्यान दे रहे होंगे। यह पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई है तो उसको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए मेरे आज के इस वीडियो में। तो इसी के साथ मैं आर्ट्री हाउस पहुंच चुका हूं और आप लोग गेट देख रहे हैं, यहां पे प्रदर्शनी का जो गेट है वो लगाया गया है। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं पेंटिंग प्रदर्शनी। बिल्डिंग प्रवेश करते ही सामने में आपको गेट दिखेगा और जो गैलरी यहाँ बना हुआ है, गैलरी 1, 2, 3 इसी के साथ बना हुआ है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जो सामने में आप सभी को देख रहे हैं जो बहुत ही खूबसूरत, और ये हमारा धरती आबा का ये पूरा गैलरी है। इस गैलरी में हमारे धरती आबा मतलब बिरसा मुंडा के द्वारा, मतलब बिरसा मुंडा के बारे में इस पे इस गैलरी में चित्रण किया गया है, जो आप सभी को यहाँ पे देख रहे हैं। इस पेंटिंग में आप सभी को देख रहे हैं बिरसा मुंडा के बारे में है, और वहाँ पे एक विद्यालय का भी चित्रण किया गया है जो चाईबासा में है। वहाँ पे उन्होंने शिक्षा हासिल की थी और ईसाई धर्म को स्वीकार किया था। और साथ में यहाँ पे एक अलग चित्रण दिख रहा होगा जिसमें ब्रिटिश सैनिक हैं जो बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने का काम कर रहे हैं। अब मैं जिस गैलरी में हूँ वहाँ पे आपको वुडन आर्किटेक्चर देखने मिलेगा, मतलब वहाँ पे लकड़ी के द्वारा निर्माण किए गए जो जनजातीय हैं उनके माध्यम से तैयार किया गया है, जो यहाँ पे प्रदर्शनी में लगाया गया है। जो आप देख रहे हैं ये आपका कद्दू से बना हुआ है, जितना भी दिख रहा है यहाँ पे ये कद्दू से बना हुआ है। कद्दू को सुखा करके ये स्क्रैप्चर के रूप में इसको ढाल दिया गया है, जो कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब इस गैलरी में जो हमारे ट्राइबल हैं उनका लाइफस्टाइल को दिखाया गया है, जनजातीय लोगों का रहन सहन किस तरह का है वो सब दिखाया गया है इस गैलरी में।
और इसके पेंटिंग के माध्यम से हम ये जान पाते हैं। यहाँ पे आप लोग जो ये देख रहे हैं इसको हम लोग ग्लास पेंटिंग कहते हैं। इस ग्लास पेंटिंग के माध्यम से जो हमारा ट्राइबल का वाद्य यंत्र है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। और अभी मैं आया हूँ ट्राइबल म्यूज़ियम में आया हूँ। जैसा आप सभी को जानते हैं कि झारखंड में 32 जनजातियाँ पाई जाती है, तो 32 जनजातियों के बारे में जानना अगर आप चाहते हैं तो मोराबादी में स्थित है ट्राइबल म्यूज़ियम, तो आप वहाँ पे आके जान सकते हैं। चलिए फिर भी मैं आप सबों को ले जाता हूँ ट्राइबल म्यूज़ियम, यहाँ कैसा है उसके बारे में आप सबों को बताता हूँ। जैसे ही आप जनजातीय संग्रहालय में प्रवेश करिएगा तो उसका जो प्रवेश द्वार है वो एकदम गुफा का डिज़ाइन से बनाया गया है, और जैसे मानो ऐसा प्रतीत होगा कि हम लोग गुफा में ही इंटर कर रहे हैं। और गुफा में इंटर करिएगा और वैसा महसूस होगा कि हम लोग कुछ अलग एरिया में पहुंच चुके हैं, ऐसा महसूस कराने का प्रयास किया गया है जो काफ़ी अच्छा है।